Hey guys, welcome back to another video. तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे PUBG मोबाइल के नए लीग 0.11 वर्जन के बारे में, जो कि मैद्रिसिटो टीवी नाम के एक चैनल ने लीक किया है। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है PUBG मोबाइल का 0.11 चाइनीज लाइट स्पीड बीटा वर्जन, जो कि अभी ड्रॉप हुआ है एंड चाइना के कुछ सिलेक्टेड बीटा टेस्टर्स इसका टेस्ट कर रहे हैं अभी। बट इसके अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन सब नए चेंजेस के बारे में जानने के लिए, तो सब्सक्राइब करें ये चैनल एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही मैंने अभी अभी एक 75,000 का बहुत ही मस्त AMD का बिल्ड बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर यहाँ आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप वो बिल्ड देख सकते हैं। इसके अलावा एथलॉन 200GG का एक द फुल सेटअप का वीडियो बनाया हुआ है, जो अभी आपके ऊपर लिंक पे आ रहा होगा एंड आप नीचे भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं PUBG मोबाइल के बारे में। स्टे ट्यून्ड, प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम टेक ट्यूबलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है प्रोफेसर टेक एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक ट्यूबलाइट पे। इस चैनल पे मैं बनाता हूं PC हार्डवेयर गेमिंग एंड टेक ज्ञान रिलेटेड वीडियोस हिंदी में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब इट एंड वो बेल का बटन दबा के नोटिफिकेशन स्क्वाड में पक्का आ जाइए, सो दैट मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। तो गाइज इस वीडियो का एम है 100 लाइक्स, तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करो एंड अगर बहुत ही पसंद आया है तो डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि ये चैनल ग्रो करे एंड आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके हिंदी में, इंडिया में, बिल्कुल देसी तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीधा उसके नए वेपन के बारे में, जो कि PUBG मोबाइल 0.11 अपडेट में आएगा। ये है MK47 म्यूटेंट। ये एक AR है, बट ये AR से थोड़ा अलग है। MK47 म्यूटेंट 7.62 का एमओ यूज करता है एंड इसके अंदर खास बात ये है कि ये दिखने में बहुत ही सुंदर है एंड ये बाकी के सारे आपके 7.62 के जितने भी ARs हैं उससे देखने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसके अंदर आप 6x स्कोप तक लगा सकते हैं एंड बाकी के ARs की तरह आप इसमें 8x स्कोप नहीं अटैच कर पाएंगे। हाउएवर इसके अंदर आपके सारे जितने भी फ्रंट अटैचमेंट्स होते हैं, फ्लैश हाइडर, सप्रेसर या कॉम्पनसेटर, वो सारे आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर इसके मैगजीन्स की बात करें तो क्विक ड्रॉ, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ एंड एक्सटेंडेड तीनों ही आप इसके अंदर लगा पाएंगे। एंड फाइनली इसके बाद हम लोग इसके फॉरवर्ड अटैचमेंट्स की अगर बात करें तो हम गेम के जितने भी अटैचमेंट्स हम बाकी के एयर्स में लगा सकते हैं, सारे के सारे इसमें भी लगा सकते हैं। नाउ इस गन की तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं एंड काफी अलग है बाकी गन से। पहला, इसका जो फर्स्ट मैगजीन कैपेसिटी है वो 20 राउंड्स का रहता है, यानी कि शुरू में अब बाकी के एयर्स में जहां 30 गोलियां मार सकते हैं इसमें सिर्फ 20 ही स्टोर रहती है। दूसरी चीज, जब इसमें आप एक्सटेंडेड लगाएंगे, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ लगाएंगे, तो आप इसमें 20 की जगह 30 तक एमओ रख सकते हैं। एंड फाइनली इसकी सबसे खास बात है कि ये गन जो है इसका आप नॉर्मल सिंगल फायर तो कर ही सकते हैं, बट इसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं है, ये एक बर्स्ट शॉट लेता है एंड इस बर्स्ट शॉट में सिर्फ 2 गोलियां निकलते हैं। ये काफी गेम चेंजिंग हो सकता है बिकॉज जो बर्स्ट मोड है उसके अंदर सिर्फ 2 ही राउंड्स निकलते हैं, तो वो काफी एक्यूरेट रहता है एंड आप एक हिट में, बिकॉज इसका डैमेज जो है वो 49 का है, तो अगर आपके पास 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम रहा जहां पे आप 2 बार ट्रिगर खींच पाए, तो 2 बार ट्रिगर खींचने पे आपके एनिमी की मौत हो जाएगी, बिकॉज इसका जो टोटल डैमेज है इट विल क्रॉस 100 एंड आप इसमें बहुत इजीली एक एडवांटेज ले पाएंगे। ऑटोमेटिक नहीं है तो कुछ लोगों के लिए इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी नहीं। हाउएवर अगर आप शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज पे गेम खेल रहे हैं तो एक्यूरेट फायर्स की जरूरत होती है एंड उस एक्यूरेट फायर में ये आपके 2-2 राउंड्स के शॉट्स काफी आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज 2 राउंड के बाद आप वापस अपने एनिमी है उस पर आप एम कर सकते हैं एंड उसको मार सकते हैं। तो लेट्स सी वेदर ये ग्लोबल रिलीज में आता है कि नहीं। हाउएवर जहां तक मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग नहीं होगा, बिकॉज आप देख लीजिए M16 जिसके अंदर 3 राउंड्स का बर्स्ट शॉट होता है, वो भी बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं सिर्फ जो उसे यूज करते हैं बिकॉज उसका हाई बुलेट स्पीड एंड बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, तो सेम चीज हम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। हाउएवर मिड रेंज पे ये काफी डेडली हो सकता है, बिकॉज 2 शॉट्स अगर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मारा जाए तो आपका एनिमी जो है वो ऑलरेडी 98 तक डैमेज ले सकता है एंड उसके बाद कोई भी दूसरे गन से आप उसको फिनिश कर सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग एंड आई विल बी रियली इंटरेस्टेड
इसको टेस्ट करने में मैं भी अभी डाउनलोड कर रहा हूँ ये वर्जन, एंड एज सून एज आई डाउनलोड इट मैं इसको खुद चला के देखूंगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज इस बिल्ड में आ रहा है वो है नो मोर पिकनिक ब्लैंकेट्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। अब आपको जब आप इसके कुछ जार्की टाइप के एरियाज में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्नो वेदर दिखने को मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ये विंटर के आसपास रिलीज होगा, विंटर के आसपास रिलीज होने की वजह से इसके अंदर स्नो मैप आपको दिखेगा, कुछ कुछ एरियाज होंगे जहां पे बर्फ गिरी रहेगी। ये जो आपका रेन वेदर है एंड उसके बाद जो स्नो वेदर है ये वेदर बेस्ड चेंजेस हैं जो कि आपको अगले आने वाले सारे अपडेट्स में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग वीडियो पे देख सकते हो काफी सुंदर लग रहा है, बट इस पे जो गेम प्ले के हिसाब से जो चेंज होगा वो ये है कि अगर यहाँ पे आपका फाइनल सर्कल आता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी एनिमी के लिए छुपने में। अगर आप ओपन में है तो वाइट के अगेंस्ट में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखोगे आप एंड आपको लोग दूर से ही पहचान पाएंगे। तो दैट इज वाई ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी एपिक होगा, बिकॉज फाइनल सर्कल अगर स्नो मैप पे आता है तो बचने के चांसेस बहुत कम है अनटिल आप किसी कवर में रहें। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नए व्हीकल की जो कि सैनहॉक में आएगा, एंड ये एक थ्री व्हीलर ऑटो टाइप का व्हीकल है जो कि ऑलरेडी पीसी में आ चुके हैं, एंड ये व्हीकल में आप तीन लोग बैठ सकते हैं, सामने एक पीछे दो। इसको गेम के अंदर टुक टुक शाय बोला गया है, हाउएवर इसको हम लोग अपने इंडियन भाषा में इसको हम ऑटो ही बोलेंगे। तो दोस्तों अभी ये गेम मेरा डाउनलोड हो रहा है एंड ये जितने भी सारे अपडेट्स हैं मैं इसको खुद गेम प्ले के अंदर प्ले करके बताऊंगा एज सून एज वो डाउनलोड हो जाता है। हाउएवर जो अपडेट्स जितने भी आए हैं काफी अच्छे लग रहे हैं एंड दे आर गोइंग अहेड इन द राइट वे आई गेस। मे बी कुछ और अपडेट्स भी आए जब तक फाइनल बिल्ड इसका बने, एंड आई होप यू गाइज एंजॉय इट। तो गाइज अगर आप लोगों को ये सारे अपडेट्स के बारे में आप लोग इंटरेस्टेड हैं एंड एक्साइटेड हैं तो बताइए मुझे कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू आउट गाइज। साथ ही मैं कुछ ट्रेनिंग वीडियोस भी बना रहा हूँ जिसको देख के आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा चिकन डिनर्स जीत पाए एंड अपने दोस्तों में आप अपना यू नो धौंस जमा पाए कि यू आर अ पबजी चैंपियन। इसके अलावा अगर आप लोगों को पीसी हार्डवेयर रिलेटेड कुछ वीडियोस देखनी है तो नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में काफी सारा लिंक मिल जाएगा, 75,000 का बिल्ड, 28,000 का बिल्ड, 30,000 का बिल्ड, ये सारे बिल्ड्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीसी हार्डवेयर डेफिनेटली आप लोग वो सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी, पीस आउट। We'll be right back.